देखो भाई, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है सुनो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई ई वेक्टर इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है सभी को पता है, क्या गिवन है बच्चों, ई नोट एक्स बाई एल इंटू आई कैप। आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन में है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहां पर एक्स डायरेक्शन में है। फाइंड द चार्ज कंटेंड इन साइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाई द सर्फेस x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू ए। क्या कह रहा है, क्यूब है अपने पास, ये क्यूब है, पक्की बात है। चलो भाई देखो, ये अपने पास एक क्यूबिकल वॉल्यूम है, क्यूब है, कहने का मतलब ये है अपना, ये ओरिजन है, x एक्सिस में भी लेंथ ए है, y में भी लेंथ ए है, और z में भी सर लेंथ क्या है, ए है। बोलो पक्की बात है, ठीक है। टेक ई नोट इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ई नोट की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलो भाई शाबाश। एल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है सर 1 सेंटीमीटर, ये डाटा गिवन में है, गिवन है आपकी बुक में, आपको मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं कि चार्ज कंटेन बताना इनसाइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम, क्या बताना है, चार्ज कितना कंटेन होगा। सुनो देखो, अच्छा सवाल है, मिलके करते हैं। देखो सुनो भाई, देखो क्यूब है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। फ्लक्स की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो नेट फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस के अक्रॉस वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। क्यूब को क्या मान लेते हैं सर, गॉसियन सरफेस। अब देखो, आप सभी जानते हैं आपका रूम, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, ये लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, वो भी एक क्यूब ही है। क्यूबॉइड अलग अलग साइड हो सकती है, लेकिन देखने का मतलब अगर साइड सेम मान ले तो क्या है, क्यूब है, पक्की बात है। अब सुनो, छह सरफेस होते हैं क्यूब में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर एक्स डायरेक्शन में, गिवन है सवाल में, इधर है एक्स डायरेक्शन में, तो जो ऊपर वाली छत होगी उस पर एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ऊपर, उस पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो। जो ग्राउंड फ्लोर होगा उसके ऊपर एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का मेरा एक लेक्चर है, वीडियो है, वो मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, अगर आपको ये नहीं पता एरिया वेक्टर किधर होता है तो आप जाके उसको एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो नीचे वाले फ्लोर होगा उसके लिए डीए क्या होगा, एरिया वेक्टर नीचे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, नेट फ्लक्स जीरो आएगा। बोलो पक्की बात है, ऊपर और नीचे की बात हो गई। अब ये वाली साइड है जैसे कि, इस पे एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर पीछे की तरफ, तो ई इधर डीए इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो फ्लक्स सर जीरो। अब सामने वाली साइड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डीए एरिया वेक्टर इधर, तो एंगल 90 डिग्री, नेट फ्लक्स जीरो। कहने का मतलब क्यूब में छह सरफेस होते हैं, जिनमें चार सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उसके लिए बच्चों नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। लेकिन बच गए दो सरफेस, क्या बच गए, दो सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो एक ये वोली वोल और एक ये वोली वोल, जहां से आ रहा है वो और जहां से वो जा रहा है, ठीक है। यानी कि एक ये वाली दीवार हो गई और एक ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर होगा, लेकिन इस सरफेस पे एरिया वेक्टर डीए होगा राइट में, और इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीए एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा। एरिया वेक्टर की वीडियो में एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप वहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो फ्लक्स आ गए, यानी कि कहने का मतलब कि सरफेस के अक्रॉस, इस क्यूब के अक्रॉस जो नेट फ्लक्स आएगा वो सम आएगा ऑफ दीज टू फ्लक्स, फाई वन प्लस फाई टू। इस फ्लक्स को मान लेते हैं फाई टू, और इस फ्लक्स को क्या मान लेते हैं बच्चों, फाई वन। क्या मान लेते हैं, फाई वन, पक्की बात है। तो देखो अपने पास फ्लक्स फाई वन क्या आएगा बच्चों, फ्लक्स होता है सर ई डॉट डी ए। क्या होता है, ई डॉट डी ए। शाबाश, अच्छी बात है, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा, सुनो ई डॉट डी ए। तो अपने पास अगर फाई वन की बात करें, इस सरफेस पे बात करें, तो सर ई क्या है, ई है सर ई नोट एक्स बाई एल आई कैप, आई कैप। और डी ए क्या आएगा अपने पास, एरिया। डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, अपने पास एरिया वेक्टर है, तो क्या आ जाएगा, डी ए आई कैप, ये सब लिख देंगे, ठीक है। तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डीए इधर है, कोस 180 आएगा, आगे साइन आ जाएगा माइनस का, कैसा, माइनस का। लेकिन देखो एक बात, ये वाली जो वॉल है अपने पास भाई, ये तो ओरिजिन पर है ना, यहां पर एक्स इक्वल टू क्या है सर, जीरो है ना, ओरिजिन पे है ये वॉल, तो एक्स इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स की जगह अगर हम जीरो पुट करेंगे तो टोटल ये फ्लक्स क्या होगा, जीरो। यानी कि फ्लक्स फाई वन क्या आ गया, इस सरफेस पे जीरो आया, क्या है इस सरफेस पे फ्लक्स फाई वन, जीरो आ गया अपने पास, ठीक है। इस पे तो आ गया सर फ्लक्स जीरो। अब अगर बात करें हम बच्चों फ्लक्स की, किसकी बात करें, अगर हम फ्लक्स की, किस सरफेस पर, इस वाले सरफेस पे अगर हम फ्लक्स की बात करें, तो फाई टू हम क्या लिखेंगे, चौक को मैं थोड़ा करता हूं, देखो फाई टू को हम क्या लिखेंगे, देखो सुनो, फाई टू अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, ई डॉट डी ए।
यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर dA इधर, यानी कि एंगल क्या है 0 डिग्री, ई डी ए कोस 0 क्या होगा 1, यानी कि ई डॉट डी ए सिंपली। पक्की बात है, पक्की बात है। सुनो E क्या है सर, E नोट x बाई एल इंटू डी ए एरिया, ठीक है। तो phi 2 क्या आ जाएगा बच्चों, E नोट, E नोट की वैल्यू क्या गिवन है कॉन्स्टेंट है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3, तो मैं पुट करता हूं 5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 x, x कितना होगा देखो ओरिजिन पर x इक्वल टू 0, इधर कितना चले सर a चले, कितना a चले, तो a इक्वल टू क्या है 1 सेंटीमीटर, तो x इक्वल टू होगा a विच इज 1 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं क्या पुट कर देता हूं x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर मैंने पुट की। बोलो क्लियर है। नीचे अपने पास क्या है l, l कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैंने रखा 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इसलिए मैंने उनको मीटर में नहीं बदला। अब इंटू डी ए, देखो ये वाली जो दीवार है, ये वाली दीवार, इसका एरिया कितना आएगा, हर एक साइड क्या है ए है, ये वाली जो वॉल है भाई इसके लिए ये हाइट भी क्या है ए है, ये है और ये भी क्या है अपने पास ए, तो क्या आएगा ए इंटू ए, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर। तो डीए जो एरिया आएगा बच्चों वो किसके इक्वल आ जाएगा सर, ए स्क्वेयर के। तो ए कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ए स्क्वेयर मतलब 1 सेंटीमीटर का स्क्वेयर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा बच्चों 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर, ये आपको करके देख लेना आता है आपको, 1 सेंटीमीटर क्या स्क्वेयर क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर। तो यहां पर मैंने लिखा इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, बोलो पक्की बात है, हाँ ठीक है। चलो देखो, तो अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, मैं थोड़ा मिटाता हूं यहां से, ठीक है। देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो बच्चों फ्लक्स जो आएगा, फाई नेट क्या है फाई वन प्लस फाई टू, तो फाई वन तो आ गया जीरो, तो फाई नेट किसके इक्वल आएगा फाई टू के ही इक्वल आएगा, तो मैं इसको फाई टू की बजाय सीधा लिखता हूं फाई नेट क्या आ जाएगा, ये देखो इसको सोल्व करेंगे तो 5 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2.5 इंटू क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर 3 10 रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 4 प्लस 3 क्या आएगा 10 रेज टू पावर माइनस 1। पक्की बात है। अब देखो गोसलो क्या कहता है कि नेट फ्लक्स क्या होगा, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों चार्ज इनक्लोज, तो वो होगा फाइनाइट इनटू एप्सिलॉन नोट, क्यों नेट क्या होगा फाइनाइट इनटू एप्सिलॉन नोट। मैं इसको मिटाता हूं, आप इसको स्क्रीन पोज करके नोट कर लेना, देखो शाबाश बने रहो। सुनो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सुनो अब देखो क्यों इनक्लोज क्या आ जाएगा बच्चों फाइनेट, फाइनेट क्या आया सर 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 आया शाबाश। एप्सिलॉन नोट क्या होता है सर 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 होता है, तो क्यों आ जाएगा बच्चों, मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूं एक बार, इतनी कैलकुलेशन भाई स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, कर देता हूं मैं। देखो क्या है 2.5 इंटू 8.85 और फिजिक्स क्या है कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन का क्या करना है ना, तो ये आ जाएगा 22.125 इंटू माइनस 12 माइनस 1 10 रेज टू पावर माइनस 13 माइनस 13। तो इसके अंदर अपने पास क्या आएगा आंसर गिवन है, इसको लिख सकते हैं Q इक्वल टू एक डिक्रीज करेंगे 2.2 तो एक इंक्रीज हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 12 और चार्ज है तो क्या आ जाएगी यूनिट सर कूलम, तो ये चार्ज आ जाएगा बच्चों जो अपने पास इस क्यूब के अंदर इनक्लोज होगा। शाबाश, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला सवाल है। देखो स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, थैंक यू।